दोस्तों जो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे दोस्तों झिर्री कटिंग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे किस प्रकार दीवार में झिर्री कटिंग करना है, पाइपिंग लगाना है, सेट करना है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इस पर हम लोग स्लेब में जब पाइप डाले थे तो हमने एक वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि हम इसी रूम में हम लोग क्या क्या झिर्री कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमने रूम पे आ गए हैं, रूम के अंदर देख लीजिए यहाँ पर चार स्पॉट बॉक्स है और एक फैन बॉक्स है। और दोस्तों कहाँ पर कौन सा चीज लगाना है तो वो देख लीजिए, हमने एक पाइप को डाउन किया है, डाउन दोस्तों। और हमने यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक जैक्सन बॉक्स लगाना है जिसपे हम लोग होल्डर टाइट करते हैं, और यहाँ पर पाइप उतार के हमने 12 मॉडल का बॉक्स लगाना है जो सभी लाइटिंग को ये कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर हमको पावर बोर्ड लगाना है जो हमको कूलर और फैन चलाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी एक देखिए एक पाइप दिख रही है, हमने पाइप को डाउन किया, वहां से एक पाइप लगा के यहाँ पे एक बॉक्स लगाना है जो 12 मॉडल का बॉक्स रहेगा। किचन में जो भी पावर का चीज यूज करना रहेगा हमको यहाँ से इस्तेमाल करना। उसके बाद एक किचन के अंदर हमने दे दिया है, उसको भी हम लोग क्या करना है यहाँ पर 6 मॉडल का बॉक्स लगाना है जिसमें दो पावर रहेगा और दो पावर स्विच, दो पावर सॉकेट रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब हम आपको मटेरियल भी दिखा देते हैं, कौन सा मटेरियल कहाँ यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों झिर्री कटिंग करने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब आप झिर्री कटिंग करने जाइए किसी भी मकान में, तो आप जीआई तार लेके जाइए। जीआई तार से पहले आप क्या करिए, उसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लीजिए हम लोग झिर्री कटिंग करेंगे। हमारे पास ग्राइंडर मशीन है, ग्राइंडर मशीन हमने जो ब्लेड का इस्तेमाल किया दोस्तों, 5 इंची का ब्लेड इस्तेमाल किया। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन भाई लोग 4 इंच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग 5 इंच का ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। मटेरियल की बात करें, चलिए हम लोग मटेरियल की बात करते हैं। तो क्या क्या मटेरियल हमको कहाँ पर यहाँ पर लगाना है, तो दोस्तों बहुत सारा मटेरियल। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 6 मॉडल का बॉक्स है और ये दोस्तों थोड़ा अच्छी क्वालिटी में, वीगार्ड कंपनी का है, तो कंपनी का है दोस्तों, ये जीआई का है, इसमें दोस्तों जंग नहीं लगता, इसलिए थोड़ा महंगा क्वालिटी का है। कॉस्ट की बात करें दुगने रेट का है, मार्केट में 60 रुपए का मिल जाएगा लोकल, लेकिन आप ब्रांड लेंगे तो आप 120 रुपए का मिलेगा। इसकी लंबाई दोस्तों बात करें तो 6x3 है, 8x3 है। 8x3 का मतलब होता है दोस्तों ये जो जगह घेरेगा 8 इंची लंबा और 6 इंची 3 इंची चौड़ा घेरेगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एक 12 मॉडल का बॉक्स है जो हम पंखा लाइट स्विच बोर्ड, पंखा लाइट का स्विच वगैरह इसी में हम लोग क्या करेंगे, रेगुलेटर वगैरह फिट करेंगे, तो इसका हम लोग वहीं इस्तेमाल करते हैं। और इसकी लंबाई दोस्तों बात करें तो ये 8 इंच का है, 8x6 का है, 8x हमारा 5.5 या 6 का है, इतना जगह स्पेस करेगा। ये 12 मॉडल का है। अब 12 मॉडल क्यों बोला गया, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 12 स्विच अगर लगाना चाहे तो 12 स्विच लग सकता है, सॉकेट लगाना चाहे तो 6 लग सकता है, ठीक है। और ये मेटल का है, जीआई का है, काफी अच्छा है। बात करें प्राइस की दोस्तों, 175 रुपए का मार्केट प्राइस है, ठीक है, लोकल खरीदेंगे तो 75 रुपए का आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास 4 मॉडल का बॉक्स है और इसकी भी लंबाई हम लोग चलिए मेजर कर लेते हैं। ये भी हमारा 3 इंची चौड़ा है और लंबाई की बात करें दोस्तों तो 5 इंची, 3x5। ये 4 मॉडल का बॉक्स है। उसके बाद हमारे पास 1-2 मॉडल का बॉक्स है, जैसे गीजर वगैरह का सॉकेट लगाने के लिए, एसी का सॉकेट लगाने के लिए हम लोग वहां इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दोस्तों बैंड है, बैंड जो प्लास्टिक का बैंड है और मटेरियल बैंड है, और इसकी मोटाई की बात करें दोस्तों 19 mm है और ये 10 रुपए का मार्केट में अवेलेबल रहता है, काफी अच्छा है। और हमारे पास जंक्शन है, जंक्शन का काम आपको पता ही है कि जंक्शन का मतलब होता है जैसे एक स्थान से कई ट्रेनों को गुजारा जाए, तो ऐसे एक ही जगह से कई जगह तार हम लोग ले जा सकते हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन बॉक्स है 19 mm का है, मार्केट की बात प्राइस की बात की दोस्तों तो 10 रुपए का अवेलेबल है आसानी से। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलिए पाइप की बात करते हैं। तो दोस्तों जो इसमें हम लोग पाइप यूज करेंगे दोस्तों, 19 mm की पाइप यूज करेंगे, और ये पाइप हम लोग क्या करेंगे, 19 mm का पाइप यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों चलिए उसके बाद पाइप थोड़े 50 रुपए का मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। चलिए हम लोग चलते हैं रूम में चलते हैं और ये 12 मॉडल का बॉक्स फिट करते हैं, और भी फिट को कैसे करना है वो हम बता देते हैं। दोस्तों पहले हमने ऑलरेडी यहाँ पे झिर्री को हमने कटिंग कर लिया है, झिर्री हमने मार दिया है, देख लीजिए झिर्री हमने यहाँ पे झिर्री को हमने मार दिया है। मारने के बाद दोस्तों हम लोग यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स फिट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा है, हम लोग को क्या करना है कि हमने देखो झिर्री को हमने कटिंग कर लिया है। कटिंग कितना करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 1 इंची गहरा करना है, क्योंकि हमको 1 इंची का पाइप ही फिट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
ये देख लीजिए यहाँ पर हमने देखिए झिर्री कटिंग कर लिया है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने आपको झिर्री पहले से कटिंग कर ली। यहाँ पर देखिए हम लोग जंक्शन बॉक्स लगाएंगे, जंक्शन बॉक्स यहाँ से यहाँ पर हम लोग को लगाना है। उसके बाद जंक्शन बॉक्स लगाने के बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे किस प्रकार लगाना है, पाइप की सॉकेट की तरफ मुँह है उधर ही हम लोग को क्या करना है दोस्तों लगा लेना है। लगाने के बाद आरी हम लोग कट कर लेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग इलेक्ट्रीशियन भाई लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि इस झिर्री कटिंग का किस प्रकार हमको पैसा लेना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करें, अगर आपके मार्केट में हिसाब से लग सकता है कि आप जैसे भी ले लीजिए, लेकिन हम लोग दोस्तों यहाँ पर 20 रुपये स्क्वायर फीट अपने जो हमारे वर्कर हैं उनको हम देते हैं। अगर एक फीट कटिंग करेंगे तो 20 रुपये देंगे और एक पूरी 10 पाइप की कटिंग करेंगे तो 200 रुपये उनको देंगे। और दोस्तों स्क्वायर फीट की बात करें दोस्तों तो 15 रुपये स्क्वायर फीट, 14 रुपये स्क्वायर फीट इस तरह मार्केट में चलता रहता है। तो हम तो ज़्यादातर अपने इलेक्ट्रीशियन भाई लोग को जो हमारे वर्कर हैं उनको हम लोग दोस्तों 20 रुपये स्क्वायर फीट देते हैं। जितना पाइप वो लग कट करके लगा देंगे उतना हम लोग उनको पैसा दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि लोग बहुत सारे क्वेश्चन में मन में आता है कि 4 इंची का दीवार है तो हम लोग कितना कटिंग करना चाहिए। दोस्तों 4 इंची का दीवार है तो आप 1 इंची कटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 इंची ब्लेड यूज करिए, उसमें आपको थोड़ा कम मेहनत का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मन में रहते हैं कि हमारा जो पिलर है तो क्या वहाँ कटिंग करना चाहिए क्या। हाँ दोस्तों, अगर 9 इंची का पिलर है, अगर वहाँ से कोई पाइप जा रहा है तो आप वहाँ पिलर को थोड़ा सा काट लीजिए, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं आने वाला है। तो देख लीजिए। अच्छा चलिए बात करते हैं, ये हमारा 12 मॉडल का बॉक्स है, किस प्रकार हमने लगाया आपको दिखा दिया है। और हमने ये देखिए 12 मॉडल का बॉक्स को हमने पहले झिर्री काटिंग कर लिया है 8x6। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स के एक साइड में हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए छेने थोड़ी सी ओपन करने के बाद इसी में हम लोग क्या करेंगे, पाइप को लगा देंगे। बहुत सारे लोग पाइप नहीं लगाते, इसी को कटिंग कर देते हैं, तो कटिंग नहीं करना चाहिए, इसको इसी में लगाना चाहिए। और लगाने के बाद दोस्तों ये ध्यान ओपन ना रहे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पावर बॉक्स की बात करें तो दोस्तों पावर बोर्ड फर्श से 2.5 फीट की हाइट पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा रहा, और आगे भी हम इसी तरह का वीडियो